हेलो क्लास फर्स्ट। सो बच्चों ओपन योर इंग्लिश बुक्स। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने एक्सरसाइजेस किए थे, हार्ड वर्ड्स किए थे। एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी कंप्लीट किया था। तो बच्चों एक चीज़ और, एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी आपको बुक में ही फिल करना है। प्लीज़ आप लोग कॉपी में मत करिएगा इसको, इसको बुक में ही करना है। कॉपी में सिर्फ हार्ड वर्ड्स होंगे और क्वेश्चन आंसर्स करे जाएंगे, ठीक है। तो आज हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वन है नेम एनी थ्री थिंग्स यू कैन सी इन आर सिटी। तीन चीज़ों के नाम लिखने जो आप शहरों में देख सकते हैं। तो इसका आंसर है शॉप्स, हाउसेस एंड व्हीकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों कॉपी में आपको यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखना है, देन क्वेश्चन वन लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है जो क्वेश्चन बुक में दिया है, जैसे कि नेम एनी थ्री थिंग्स यू कैन सी इन अ सिटी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है, देन आंसर शॉप्स, हाउसेज एंड व्हीकल्स। शॉप्स मतलब होती है दुकान, हाउसेज मतलब होते हैं घरें, और व्हीकल्स मतलब होती हैं गाड़ी, ठीक है। देन हमारे यहाँ क्वेश्चन टू डालना है, यहाँ क्वेश्चन टू लिखना है। क्वेश्चन टू है हमारा नेम एनी थ्री थिंग्स यू कैन सी इन अ विलेज। विलेज मतलब होता है गाँव, तो ऐसे तीन चीज़ों का नाम लिखना है जो आप गाँव में, मतलब गांव में देखे जाते हैं। फर्स्ट है ट्रैक्टर्स, हर्ट्स एंड फार्म। ट्रैक्टर्स, हर्ट, हर्ट मतलब झोपड़ी, फार्म मतलब एग्रीकल्चर या खेत, ठीक है, फार्म मतलब खेत। तो इसको आपको क्वेश्चन थ्री लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन थ्री है हमारा वेयर डू मैनी पीपल लिव। तो ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना है मैनी पीपल लिव इन अ सिटी, ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। देन यहाँ पे क्वेश्चन फोर है हमारा, क्वेश्चन फोर लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन फोर ये वेयर कैन यू सी बुलक कार्ट्स एंड ट्रैक्टर। तो बुलक कार्ट्स और ट्रैक्टर आपको, ट्रैक्टर्स आपको कहाँ दिखते हैं, तो ये है इन द विलेज। देन क्वेश्चन फाइव है हमारा व्हाट आर हट्स मेड ऑफ। हट्स मतलब झोपड़ी किन चीज़ों से बनी होती है, मड एंड स्ट्रॉ। फिर हम लोग एक बार और आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन से आप क्वेश्चन वन लिखिएगा, आंसर है शॉप्स, हाउसेस एंड व्हीकल्स। फिर यहाँ क्वेश्चन टू लिखिएगा, देन ट्रैक्टर्स, हट एंड फार्म। फिर यहाँ क्वेश्चन थ्री लिखिएगा, आंसर है मैनी पीपल लिव इन अ सिटी। देन यहाँ क्वेश्चन फोर इन द विलेज इसका आंसर है। देन क्वेश्चन फाइव लिखिएगा, आंसर है मड एंड स्ट्रॉ। सो आज हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम फिर से बता रहे हैं आपको एक्सरसाइज ए और बी बुक में ही रहने देना है। कॉपी में सिर्फ हार्ड वर्ड्स होंगे और क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। गुड बाय।